हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं डोंकी मूवी के बारे में कि मूवी कैसी है कैसी नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मूवी फ्रेंड्स टोटल 2 घंटा 41 मिनट की होने वाली है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स कहानी में हमें क्या कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स कहानी में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि जैसे कि आप बहुत मूवी देख चुके हैं, 3 इडियट, PK, इस टाइप से स्टोरी आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा। वैसा टच जैसे आप कभी भी देख लो उस मूवी को, आप एकदम नया फील करो। आपको उस मूवी से कुछ सीखने के लिए मिले, कुछ सोशल मैसेज मिले, कुछ ऐसा सीखने के लिए मिले जो आपके लाइफ में आपके आगे बढ़ने में काम आए। तो ऐसा सीन फ्रेंड्स आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स जैसे कि आप बहुत पिक्चर देखे हैं PK, 3 इडियट, वैसा जैसे टच रहता है, वैसा स्टोरी, वैसा सोशल मैसेज आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आप फर्स्ट हाफ स्टार्ट करोगे, फर्स्ट हाफ में आपको कॉमेडी, एक्शन सीन ये सब देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट हाफ में आपको पूरा कॉमेडी भी देखने के लिए मिलेगा, कुछ कुछ स्टोरी आपको देखने के लिए मिलेगा और कॉमेडी वाला एक्शन देखने के लिए मिलेगा। और कुछ ऐसा सीन देखने के लिए मिलेगा पूरा सीरियस वाला, मतलब एकदम सीरियस टाइप से सीन देखने के लिए मिलेगा। बट फ्रेंड्स सेकेंड हाफ से जो इमोशनल स्टोरी स्टार्ट होती है, आप कहीं कहीं इमोशनल हो जाओगे, आप कहीं कहीं पूरा इमोशनल हो जाओगे, आप स्टोरी में एकदम घुस जाओगे। जैसे कि फ्रेंड्स कुछ सीन ऐसे आएंगे, जैसे विक्की कौशल जी का रोल काफ़ी यूनिक है, कुछ अलग लेवल का। आप इस मूवी में उनका एक्टिंग देखिएगा। जैसे कि फ्रेंड्स विक्की कौशल जी का कुछ यूनिक सीन है, कुछ अलग सीन है, आप देखेंगे तो आप एकदम इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि विक्की कौशल जी का जो एक्टिंग है वो काफ़ी लाजवाब, काफ़ी यूनिक, काफ़ी अलग, मतलब कि मज़ा आ गया उनका एक्टिंग देख के। बात करें फ्रेंड्स एक्टिंग की, तो फ्रेंड्स सभी ने अपना एक्टिंग को एकदम नेचुरल टाइप से किया है, पूरा एकदम रियलिटी टाइप से किया है। जैसे राजकुमार हिरानी जी का बहुत ही ऐसा लॉजिक टाइप से उनका सीन रहता है दिखाने वाला, कि वो लोगों को दिखाते हैं ऐसा ऐसा सीन। जैसे मुन्ना भाई देख लीजिए, 3 इडियट देख लीजिए, PK देख लीजिए, तो हिरानी जी का कुछ ना कुछ कमाल रहता है पूरे मूवी में। तो आपको कहीं ना कहीं ये सब सीन देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स, कि इमोशनल सीन रहता है, आप उसमें एकदम घुल मिल जाओगे। आप कभी भी मूवी देखोगे तो आपको सोशल मैसेज, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। फ्रेंड्स सभी ने अपने एक्टिंग को दमदार किया, सभी एक्टर ने, और चाहे कोई भी एक्टर हो चाहे किसी के भी रोल हो, सभी ने अपने एक्टिंग को बहुत दमदार टाइप से किया है पूरे मूवी में। फ्रेंड्स आपको BGM म्यूजिक काफ़ी अच्छा लगेगा सुन के, पूरे मूवी का BGM और म्यूजिक परफेक्ट काम कर रहा था, परफेक्ट सीन में BGM म्यूजिक काम कर रहा था, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इसका BGM म्यूजिक देख के। इससे पहले फ्रेंड्स शाहरुख खान जी का जो मूवी आया था पठान, तो उसमें जो एक्शन किए वो मांस मसाला वाला एक्शन, उड़ता फिरते वाला एक्शन, मारपीट बंदूक वाला एक्शन, बट इसमें इस मूवी में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। एक्शन मिलेगा बट आपको उस लेवल का एक्शन नहीं मिलेगा, कॉमेडी एक्शन, सीरियस एक्शन, सीरियस लेवल का एक्शन, सीरियस लेवल का सीन, इमोशनल सीन ये सब चलेगा। जैसे कि फ्रेंड्स कुल मिला के बात यह है कि आपको पूरे मूवी में उतना हाई लेवल का एक्शन नहीं मिलेगा, पूरे मूवी में आपको सोशल मैसेज, सोशल सीन, कुछ सीखने वाला चीज़, ऐसा सीन जो आपको एक कदम आगे ले जाएगा हर एक मूवी से, PK, 3 इडियट से हर एक कदम आगे ले जाएगा कहीं ना कहीं। तो आपको कुछ ना कुछ सोशल मैसेज, कुछ यूनिक चीज़ें आपको देखने के लिए, सुनने के लिए मिल सकती हैं। बात करूँ फ्रेंड्स मूवी के बारे में अगर एक लाइन में, तो मूवी मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, यूनिक, अलग, कुछ एक कदम आगे की सोच हर एक मूवी से, तो कहीं ना कहीं मुझे मूवी पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। बात करूँ फ्रेंड्स स्टार के बारे में, तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से इस मूवी को मिलेगा 5 में से 4 स्टार। तब तक फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ।